जनपद रुद्रप्रयाग के राजस्व व्यवस्था के अधीन वाले लगभग 63 राजस्व गांवों को अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन थाना व चौकियों में सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में उत्तराखंड के शासन द्वारा जारी अधिसूचना जिला प्रशासन ने संबंधित राजस्व क्षेत्रों को भेज दी है, जबकि अभी तक डीएम कार्यालय, विकास भवन व पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय भी राजस्व उपनिरीक्षक के अधीन है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक भादुड़े ने बताया है कि जनपद के तीनों विकास खंडों के लगभग 63 गांव को राजस्व व्यवस्था से हटाकर पुलिस व्यवस्था के अधीन कर दिया गया है। लंबे समय से इन गांवों को जिनकी जनता है जो वो मांग कर रही थी कि नज़दीकी पुलिस थाना चौकियों के अधीन किया जाए, जिससे सुरक्षा एवं संबंधित मामलों का जल्द निस्तारण हो सके। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जनपद रुद्रप्रयाग में जो है लगभग 63 गांव जो है वो राजस्व क्षेत्र में जो राजस्व क्षेत्र के थे वो पुलिस क्षेत्र में जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें ये जो सभी 63 गांव जो है वो कोतवाली रुद्रप्रयाग, घुलतीर, गुप्तकाशी, इन इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और बाकी जो है दुर्गाधार और चोपटा जो है यहाँ पे हमारी पुलिस चौकी जो है वो खोली जाएगी। इसके लिए अधिसूचना भी हमारे पास आ गई है और डीएम कार्यालय से भी हम लगभग संपर्क करें।